आज गवैया बनेंगे केके मैनन। अबे यार, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। तो मोहम्मद रफी साहब को, अरे यार कमाल कर रहे तुम। नहीं, जाएंगे नहीं, दरवाजा बंद करो रे। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे। और हिंदुस्तान के मशहूर कलाकारों के बारे में बात की जाए तो लोग कमर्शियल फिल्म कहते हैं, लोग कहते हैं आर्ट फिल्म है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, वो कमर्शियल देखते हैं ना आर्ट फिल्म देखते हैं, उन्हें अभिनय करना है, एक्टिंग करनी है, वो एक्टिंग करते हैं। उनमें से एक हमारे साथ में मौजूद हैं जिनकी इतनी सारी फिल्में देखी हैं, फिल्म देख देख के उनके फ़ैन बन गए हैं। कई लोग बहुत प्यार करते हैं, कई लोग नफरत भी करते हैं। और ऐसा कैसा करेक्टर किया इसने यार, हमारी चाची तो बहुत ही विचलित हो जाती है, उनको ऐसा लगता है पर्दे पे जो चल रहा है वो सही में चल रहा है। के मैनन साहब मेरे साथ में बोल, क्या बात है, बधाई हो। तो नहीं मानेंगे आप मिस्टर नटवरलाल आती है तो उसमें एक अलग एंगल रहता है आपका, हजारों ख्वाहिशें देखो तो अलग एंगल है। हाँ बस बस इंसान पेश करता हूँ मैं सामने लोगों को, हर इंसान अलग हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो भरूपिया तो हैं आप। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को, अपने अहंकार को मैं अपना निकाल करके मैं वो किरदार को पेश करूँ तो ऑटोमेटिकली वो अलग हो जाता है ना। तो हाँ, तो अगर हिम्मत सिंह है तो फिर मंसूर दलाल अलग हो जाता है। तो जिससे भी सी बात है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो इंसान को पेश करूँ और फिर ये इंसान को पेश करूँ। मैं अपने आप को थोड़ा सा शून्य कर देता हूँ उस वक्त एस के मैंने, और उसको अडेप्ट कर लेता हूँ। इसलिए मैं मानता हूँ कि मतलब हाइट कम करने के अलावा बाकी सब कर लेता हूँ। हाइट कम करने ये अच्छा बोला आपने। तो अगर अभिनय की बात कीजिए, आपने बहुत अच्छी हिम्मत सिंह की बात की, आपने बहुत अच्छी बात की कि ये जो करेक्टर होते हैं कहीं ना कहीं इंसान के अंदर छुपे हुए हैं। तो एक अभिनेता को किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं आप जो कोई करेक्टर क्रिएट करते हैं, जब फॉर एग्जाम्पल हिम्मत सिंह की बात कर लें आप, या तो इस फिल्म की बात करेक्टर की बात कर लें, तो क्या क्या चीज़ देखते हैं, इंग्रेडिएंट क्या होते हैं एक्चुअली? वो क्या है ना, उसका भाई प्रोसेस सीखना। हाँ नहीं, उसका कैसा है कि वो ऐसा नहीं है कि मैं इतना मिर्ची डालूंगा इतना वो डालूंगा, इस प्रकार का की प्रक्रिया है ही नहीं। वो थोड़ा सा अंदरूनी इंटरनल मामला है, उसको एक्सप्लेन करना भी बड़ा मुश्किल है, बट कोशिश करता हूँ। इसमें इतना ही है कि हम क्या करते हैं कि स्क्रिप्ट के साथ आप रहिए। हाँ, आप सिर्फ स्क्रिप्ट के साथ रहिए, बिना कोई पहले से कोई एक्सपेक्टेशन के या कोई प्लानिंग के या डिज़ाइन के, सिर्फ स्क्रिप्ट के साथ रहिए आप। जितना आप रहेंगे मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ वो स्क्रिप्ट आपको कुछ दे के जाएगी 110%। तो वो प्रक्रिया कैसे होता है, क्या है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना है कि वो एक अदृश्य तरीके से आपको कुछ दे जाता है, आपको दिखता है कि ये है वो आदमी। जब आप स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं, हाँ पढ़ने के अब एक ही बार नहीं, अच्छा रहिए उसके साथ। हाँ, आप ना भी पढ़ते हो तो आप खेल रहे हो या फॉर एग्जाम्पल कुछ कर रहे हो तो उसके साथ में स्क्रिप्ट चलता रहेगा आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं, तो आप उसके साथ जुड़ के रहिएगा उसको। अंदर मैंने पढ़ लिया, अच्छा ठीक है मैं एक्टिंग करूँगा, ऐसा नहीं होगा। तो वो उसके साथ जब रहते हैं तब जाकर के आपको दिखता है कि वो अरे ये इंसान है। और फिर उस इंसान को आप बाहर मार्केट से मत लेके आएगा, उसको अपने अंदर से ही लेके आएगा। जैसा तुमने कहा कि वो स्पेक्ट्रम, हर इंसान के अंदर वो स्पेक्ट्रम पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम उसमें से ही निकलता है। अगर उसमें से निकलता है तो वो फिर वो बिलीवेबल बात बन जाए, विश्वसनीय बन जाए। वरना फिर वो ऐसा लगता है कि हमने कुछ हैमिंग कर लिया, फेक कर लिया, यू नो वो कुछ मार्केट से मैनरिज्म लेकर आया, मैनरिज्म यूज कर लिया। ये सब चीज़ें से परे हम उसको एकदम प्योर डिस्टिल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोशिश ये रहती है, ऐसा नहीं कि हर बार आप सक्सेसफुल होते हो, बट कोशिश ये रहती है। और उस कोशिश में मुझे तो कम से कम मजा आता है। आप एक कहानी को कितनी बार पढ़ते हैं एक स्क्रिप्ट को? वही मैं कह रहा हूँ, वो जरूरी नहीं कि नंबर में हो। अच्छा, इसलिए मैंने कहा रहिए। आप भले ना भी पढ़ते हो तो आप ऐसे रखे हुए हो तो भी चलेगा, क्योंकि आपने पढ़ लिया उस चीज़ को, आप एक सड़ लिया, कोई एक सीन याद आ गया, आपने उसको पढ़ लिया विदाउट ट्राइंग टू डिज़ाइन इट। अब डिज़ाइन ना करें, डिज़ाइन बाद में होगा, बिकॉज वो जब आप उस लोकेशन पर जाएंगे तब उसकी परिस्थिति आपको दिखाई देगी। हाँ, अलग परिस्थितियाँ हो सकती हैं, आपके दिमाग में कुछ अलग आप पकाते होंगे, वहाँ कुछ अलग होगा। बेटर है कि आप सिर्फ उसके साथ रहिए, तो वो रहने में थोड़ा पेशेंस लगता है। हाँ, बहुत थोड़ा क्या बात कर रहे हैं आप, तो वो पेशेंस लगता है। वो कुछ लोगों को बोरिंग भी लगती है, बहुत बोरिंग लगती है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग मामला लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी मुझे इसमें से कुछ निकलेगा, ये जो है ना कुछ निकलेगा, मतलब इट्स लाइक दैट बोलते हैं अलादीन का चिराग, आप घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो, सडनली ऐसा
एक पॉइंट के बाद जिन निकल गया, आपको अरे ये फॉर्म है, वही है वो प्रोसेस, बिल्कुल मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट, बट थोड़ा नीरस है, लेकिन जब बन जाती चीज कमाल बन जाती है। बट वो कैसा नीरस कैसा है कि आदमी जब संगीत सीखता है फॉर एग्जाम्पल गाना, तो एक सुर पे वो सारे साफ पे लगा हुआ है, देखने वाले को बोरिंग लगता है लेकिन जो करने वाले को कभी बोरिंग नहीं लगेगा, वो फर्क है। देखो अभिनेता को क्या करना चाहिए कि क्या जैसे सारे बोला है एक, ये रियाज एक हो गई तो चलो, एक तो सा की है रा की है, एक एक्टर के लिए अगर बेसिक दो या तीन रियाज बताएं आप। अब रियाज जो है ना, अब उस एक जमाना था जब शुरू करते हैं आप, तो आप बहुत सारे अपने उच्चारण पे, अपने स्पीच पे, अपने बाकी सारी चीज़ों पे काम करते हैं, वो टूल्स हैं, वो मतलब यंत्र है सारे के सारे, बट मंत्र जो है वो बाद में, मतलब उसको आप उसको ग्रहण करना पड़ेगा बाय डूइंग दिस एक्सरसाइज। तो वो एक्सप्लेन इसलिए करना मुश्किल है कि वो एक्सपीरियंस वाली, एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ए बी सी डी करने से आप महान बन जाओगे, ए बी सी डी करने से आप अच्छे परफॉर्म कर लोगे, ज़रूरी नहीं। तो इट्स अ मैटर ऑफ थोड़ा सा वो इंटेंजिबल है इसको बोलते हैं। तो आपने स्क्रिप्ट की बात की, आपने उसमें रहने की बात की, कौन सी स्क्रिप्ट के साथ आपका बहुत ज़्यादा वक्त गुजरा और अभी भी कई बार आप घुस जाते हो, यार क्या कहानी थी, क्या सीन था, क्या था, कौन सी ऐसी स्क्रिप्ट थी जीवन में? जीवन में ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट थी जो टाइम, अगेन अगर मैं टाइम का हिसाब रखूंगा तो शायद मैं स्क्रिप्ट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, समझो मेरी बात। तो मैं उस चीज़ों पे, कौन सा कैरेक्टर, कौन सा चरित्र, पता नहीं, आई जस्ट बीन देयर। वो करते 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 अगर वो निकल के अच्छा आया, इसका मतलब मैंने अच्छा टाइम बिताया, अच्छा सिंपल सी बात। तो वो इंटरेस्टिंग, हाँ तो वो बाय रिफ्लेक्शन। तो आप पता नहीं, वो आप ये नहीं बोल सकते हो कि एक कैरेक्टर के लिए मैंने इतना टाइम बिताया। अभी इसमें तो बैडमिंटन प्लेइंग सिद्धार्थ शर्मा, अब एक तो ये है कि अपने जीवन के अनुभव की वजह से उसको लगता है स्पोर्ट्स ऐसा कुछ है, ऐसा जो भी है उसकी धारणा है, अब उसको अंदर करना, क्योंकि मैं एम स्पोर्ट्स लवर, तो मुझे उसको निकालना, शून्य करना, वो एक मेहनत वाली चीज़ है। तो क्योंकि मैं रैकेट देखता हूँ या कोई टेनिस रैकेट देखता हूँ, बॉल देखता हूँ, इमीडिएटली मेरा हाथ वहाँ चला जाता है यू नो। तो वो हटाना, उस उन चीज़ों को निकालना, वो थोड़ा सा है, अपने को संयम रखना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें हम आप कर लेते हो बिकॉज आप उसमें रमे हुए हो कभी। पर कौन सी स्क्रिप्ट, अभी भी पूछ रहा हूँ मैं, कौन सी स्क्रिप्ट, कौन सी कहानी आपके जहन में अभी भी है? पता नहीं अनुराग यार, मैं जो एक्चुअली पता नहीं, जो लोगों को बहुत पसंद आई होगी, जो भी पसंद आई होगी, नहीं हो सकता है लोगों को पसंद आए, लेकिन आपके दिल के करीब हो। नहीं, वो अगर मेरे दिल के करीब, मेरे ख्याल से मेरा एक प्रॉब्लम भी है और एक अच्छाई भी है, जिस तरह से देखना चाहते हो। एक प्रोजेक्ट का कंप्लीट होने के बाद मैं उससे डिस्पैशनेट हो जाता हूँ। अच्छा। क्योंकि निर्मोही किस्म के कलाकार ही है। हाँ, तो देखिए, हाँ, जब मैं मतलब बहुत ही ज्यादा, जब वो उसमें उस प्रोजेक्ट करते वक्त मैं डूबा हुआ रहता हूँ, कंप्लीटली डूबा हुआ रहता हूँ, और फिर होने के बाद फिर मैं उस पर कोई आशा नहीं रखता, मैं उसको मैं एकदम डिस्पैशनेटली देखता हूँ, क्योंकि वो पैदा हो चुका है, उसकी अपनी डेस्टिनी है, उसको जो सपोर्ट देना है, जैसे हम पीआर कर रहे हैं, प्रमोशंस कर रहे हैं, वो करेंगे, फिर जो बनेगा बनेगा, और ये ऑडियंस के ऊपर निर्भर करेगा कि उनको अच्छी सिनेमा देखनी है नहीं देखनी है, अच्छी सिनेमा पनपने देना है नहीं देना है, ये ऑडियंस के ऊपर निर्भर। तो कौन सा कैरेक्टर था जो आपको लगा कि ये बहुत कमाल है, बहुत कमाल आएगा, मज़ा आ जाएगा काम करते हुए, बहुत मज़ा आएगा, लेकिन पर्दे पे गया और लोगों ने ठीक ही है, नहीं नहीं वो कमाल वाली बात नहीं हुई यार। आप कहने को तो सचिन हर मैच में 100 तो नहीं मारता ना। हाँ हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी 100 सेंचुरीज हैं, तो आपके हिसाब से कौन सी रहेगी, यार ये बहुत कमाल थी, बनी भी अच्छी थी, लेकिन बहुत सारे हैं ऐसा है, बहुत सारे, मतलब अभी एग्जांपल ज्यादातर हमारे भारत देश में यही हुआ है कि जो कॉन्टेंट ड्रिवन फिल्म है, हाँ वो थोड़ा सा जद्दोजहद है, मतलब उसको लोगों को लेके आना पड़ता है। तो आप बताइए आपके हिसाब से आपकी कौन सी फिल्म थी? बहुत सारे हैं यार, अनगिनत है, आप तुम ही तो देखोगे बिब्लियोग्राफी में दिख जाएगा आपको, बहुत सारे हैं जो बहुत ही आप मतलब वंस इट हैज कम ऑन ओटीटी एंड पब्लिक सराहने लगे बहुत ज़्यादा उसको, तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। अब फॉर एग्जांपल थिएटर का मामला, अब थिएटर में क्या होता है ना कि ओटीटी में जब हम फिल्म करते हैं या कुछ सीरीज करते हैं तो उसकी पब्लिसिटी करनी होती है, मतलब प्रमोशन कम ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम आपके घर आ रहे हैं है ना, हम चल के आपके घर आ रहे हैं, बराबर है, और आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में बैठे हुए बैठे, जब आपको फुर्सत हो आप दबा के देख सकते हो, उसमें कुछ और टाइमिंग नहीं होती, कुछ नहीं। थिएटरिकल रिलीज जैसा ये है, उसमें क्या है कि हम चाहते हैं कि ऑडियंस अपने घर के बाहर निकले, थिएटर जाए, टिकट खरीदे, उस शो टाइमिंग के समय तैयार रहे उस शो देखने के लिए, तो एक प्रोसेस है।
इतनी मेहनत वो लोग करते हैं करते हैं, तो हम भी थोड़ा बहुत मेहनत कर लेते हैं उनको बोलने के लिए कि आ जाओ कम, तो ये फ़र्क है। तो कभी कभी ये होता है कि कौन सी फिल्म थी वो सी नहीं कौन सी एक हाँ एक सर है दो चार तीन चार पांच बता दो चलो पांच बता बहुत सारे हैं स्टोन मैन मर्डर्स हैं रहस्य है रहस्य देखी मैंने हाँ, वो हाँ, भी अच्छी थी हाँ, वो हाँ, आपने ओटीटी पे देखी क्यों ना नहीं नहीं पर्दे भी देखी पर्दे पे देखी हाँ मर्डर भी देखी और हाँ फिर बहुत सारे हैं यार हजारों ख्वाहिशें भी हाँ पर्दे पे ब्लैक फ्राइडे है हाँ ब्लैक फ्राइडे चली थी ना कहाँ मतलब बाद में आई तो हमारे पास भंडार है इतना ही है कि नाम लो भंडार हाँ, लेकिन इतना ही है कि वो सारी फिल्में जो हैं वो अनंत काल के लिए बनी हुई हाँ ये तो है तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो जाती है। अजय अमर है भैया आपको मरने के बाद भी लोग याद करेंगे हाँ तो वही इंटेंशन होना चाहिए आइडियली मेरे ख्याल से किसी भी आर्ट फॉर्म के लिए वो इंटेंशन ज़्यादा वही होना चाहिए कि मैं ये काम करूँगा ये मेरे मरणोपरांत तक ये चलता रहेगा। वरना क्या है कि आप तीन दिन के बिजनेस के लिए कर रहे हो तो फिर आप दुकान ही खोल लो कुछ कर लो कुछ भी हाँ सही तो बात है फिल्म करने की जरूरत नहीं पड़ती दिस इज माय टेक बट ठीक है उनकी अपनी जिंदगी है जिस तरह से करते हैं बट इंटेंशन वो होना चाहिए कि मैं ऐसे कुछ करूं इस ऐसी फिल्म पर चलता रहे। तो आप इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं इतना नाम हो चुका है इज्जत भी है शोहरत भी है पैसे भी हैं एंड गेम क्या है? एंड गेम मरना है वो तो है उसके बाद क्या काम अपने पीछे छोड़ के जाना है बिकॉज वो ऐसा कुछ है नहीं एंड गेम। एंड गेम सोच के या गोल सोच के मैं यार जीता नहीं मैं मानता हूँ कि उस पल के लिए जैसा भी इंटरव्यू है उसको अच्छे से दो मज़ा करो मस्ती करो जो है आपका ये अपने आप में अचीवमेंट है। इस पल के लिए मैं डेडिकेटेड हूँ सही बात है इस पल के समय मैं कोई और इंटरव्यू के बारे में सोच नहीं रहा इधर मज़े करने का हाँ तो करते रहो अपने आप जो गोल है वो आपके पास आ जाएगा आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप जो गोल बोलते हो ना मकसद वो अभी है नहीं वो आपके दिमाग में है अच्छा सही बात है वो कहाँ है वो नहीं दिख रहा है आपके दिमाग में दिख रहा है वो अलग बात नहीं पर ऐसा होता होगा ना कोई मेरे को ये अवार्ड मिल जाए ऑस्कर मिल जाए ये अवार्ड मिल जाए क्या है वो है क्या नहीं है ना वो तो अवार्ड की ही तो पड़ा हुआ है क्या करना है आपको अच्छा यूं अच्छा कहीं ना कहीं तो है रखा हुआ हाँ आपको जब आप जब अपना काम इस वक्त करोगे फिर नेक्स्ट मोमेंट में करोगे नेक्स्ट मोमेंट में करोगे पूरी शिद्दत के साथ एंजॉय करके तो अपने आप वो जो भी गोल है वो पास आता रहेगा। इससे फैलेसी कि हम लोग चल के जा रहे हैं हम चल के नहीं जा रहे नहीं। हम यहीं पे हैं वो चीज़ें आपके पास आती हैं जिस तरह से फिल्में आपके पास आती हैं या फिर कुछ चीज़ आते आती हैं ज़रूरी नहीं कि आप चल के जाएं आप अपना काम बहुत ही सही सही करते रहिएगा मज़े लेकर अच्छे काम मतलब पूरे ऑनेस्टी के साथ अपने आप अपना जो भी है वो लक्ष्य जो है वो आता रहेगा। तीन चीज़ें ऐसी कौन सी जो बची हुई है करने का इरादा है? मुझे पता नहीं दोस्त मैं चाहता हूँ कि मैं जिंदगी में कभी लेबर न करूँ मतलब आर्ट में मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उसको आप मजे करें उसको एंजॉय करें है ना और उस पर काम करें धोए ना क्यों यार करना है निपटाना है ये नहीं मजा नहीं क्योंकि तीन फिल्में हो रहे हैं नेक्स्ट शिफ्ट हो रहे हैं फिर वो पल ही चला गया आपका। पर कभी ना कभी तो जिंदगी में करियर में हुआ होगा ना भैया एक आध बार हुआ है ऐसा शुरुआत में तो मैं भी यार थोड़ी मैच्योर था तो परिपक्व तो अभी हुआ पहले तो नहीं था ना तो उस जमाने में निराशाएं थी कि पांच रिलीज नहीं हुई फलाना ढिमकाना ये हाँ। वो सारे एंग्स थे लेकिन उन्होंने सबक सिखाई। पर जब अवार्ड नहीं मिलता था उस जमाने में अब तो खैर मुझे नहीं लगता होगा कोई अंतर पड़ता है आपको उस जमाने में दुख होता था? अवार्ड के बारे में मेरे पहले से एक अलग धारणा थी नहीं ऐसा नहीं कि मैं उनको मतलब कुछ हाँ। समझता हूँ ऐसी बात नहीं मेरी धारणा ये है कि अवार्ड देते वक्त द बेस्ट मना बोला करें। हाँ नहीं समझा मैं फिर मतलब द बेस्ट एक्टर या द बेस्ट मत बोला था। अच्छा अगर मुझे ही मिलेगी ना तो द बेस्ट मुझे लगता है कि यार मैं द बेस्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आर्ट इस फिल्मी दुनिया में सब्जेक्टिव मैटर है वो तो क्या होना चाहिए ऑब्जेक्टिव आप बोलिए इन टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर दिस फिल्म ये दो आप एक बार कि हमको ये फिल्म अच्छी लगी ये परफॉर्मेंस ये लो जाता और एक्टर को ये मत बोलना एक्टर भी सेम थिंग फॉर प्लेइंग द रोल ऑफ सिद्धार्थ शर्मा इन लव ऑल हियर इज आवर टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। अच्छा। अगर आप द बेस्ट बोलोगे ना उससे सिर्फ अहंकार बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा और बाकी जो है वो थे ऐसा नहीं आप क्या बोल रहे हो आप द बेस्ट हो और बाकी लोग जो हाँ। फिल्में की उन्होंने 10 फिल्में उनका क्या इसलिए बोल रहा हूँ कि द बेस्ट इज पॉसिबल ओनली इन एथलेटिक्स कैसा कि सभी लोग एक ही रेस दौड़ रहे हैं एक ही एटमोस्फियर एक ही वेदर एक ही ट्रैक और एक ही डिस्टेंस 100 तो आप सब लोग ठाक करते वो दौड़ते हैं फिर वो टेप टच करता है जो फर्स्ट आता है वो द बेस्ट हो सकता है वो एथलेटिक्स में लागू है। फिल्मों में कैसा है कि एक बंदा कोई किसी डायरेक्टर के साथ काम कर रहा है कोई और स्क्रीन प्ले के साथ काम कर रहा है किसी और कंडीशंस में काम कर रहा है दूसरा बंदा कहीं और कर आप उसको कैसे जोड़ कर सकते हो कंपेयर कर ही नहीं सकते कहानी अलग है भाई तो ये रेस यहाँ कहीं दौड़ रहा हूँ वहाँ का हाउ डू यू कंपेयर वो हिल चढ़ रहा है अपना पहाड़ चढ़ रहा है ये समंदर हाउ डू
यू डोंट नो नो सो इसलिए कंपैरिजन ही गलत लगता है मुझे. मुझे लगता है कि आर्ट फॉर्म में द बेस्ट नहीं होता. आर्ट फॉर्म में कभी नहीं होता. एथलेटिक्स में हो सकता है सभी लोग एक दूसरे को, स्पोर्ट्स में हो सकता है, यू नो बिकॉज सारा मैदान सेम है सब कुछ, तो वो हो सकता है. ऐसा नहीं कि मतलब रैकेट मेरा अलग है उनका रैकेट अलग, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं सकता. सही बात. ऐसी कौन सी फिल्म थी जो आपने कर ली और इतनी सारी, इतना संभावना नहीं थी कि यार इतनी हिट हो जाएगी, इतना पॉपुलर हो जाऊंगा, ये करेक्टर हिट हो जाएगा, मुझे नहीं मालूम. जैसे मुझे याद आता है शौर्य, नहीं कौन सी पिक्चर थी राहुल बोस के साथ में, हाँ शौर्य, वो सीन वो क्लिप आज भी घूमता रहता है वो, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको इतना लगा होगा इतना बड़ा हो जाएगा ये. नहीं अब बहुत लोग बोलते हैं वो रिपीट, मेरे को समझ नहीं आता कि मैं रिपीट कैसे करूँ, क्योंकि मैं उस पल के लिए मतलब उस मोमेंट ऑफ ट्रूथ पे जी रहा था, तो मैंने कर दिया. अब मैंने कैसे बोला, क्योंकि मैं डिज़ाइन नहीं करता हूँ, तो कहाँ पे मैंने पॉज लिया, कहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे नहीं मालूम यार. जिस तरह से मैं अभी हम लोग बातचीत करते हैं ना, मैं नॉर्मल डायलॉगबाजी करता ही नहीं हूँ फिल्मों में, मैं फिल्मों में बातचीत करता हूँ, तो मैं डायलॉगिंग के बदले में आई हैव कॉन्वर्सेशन ऑन स्क्रीन, तो वो मेरी प्रक्रिया रही है. ऐसा अभी यहाँ पे हमने किया है, आप किसी ने बोला ये रिपीट करके दिखाओ, मैं बोला अरे भाई हो गया ना, उस मोमेंट का की बात थी, मैंने कर दी. अब वो विचार भी उस वक्त आए. सही बात. अभी जो है ऐसा नहीं कि मैंने प्लान किया कि अनुराग को मैं ऐसा कुछ करूँ, ऐसा नहीं है कि अनुराग को मैं ये डायलॉग मारूंगा. तो इसी प्रकार से मैं फिल्में भी करता हूँ, तो जो चीज़ें उस वक्त है वो आपके पास सीन है, आपके पास डायलॉग भी भले दिए गए हों, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि ऑडियंसेस को लगे कि वो किस किरदार ने उन लाइनों को की इजाद वहीं पे की है, ना कि आपको दिया. उसी समय याद आया, उसी समय सोचा, उसी समय अभिनय है, तो इसलिए वो माहौल जिस तरह से है उस वक्त क्या है उस पर बहुत निर्भर करता है. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बाद में जाके मतलब बहुत कौन कौन सी चीजें ऑल दिस फिल्म दैट आई टॉक्ड अबाउट, वैसे हो ये हो शौर्य हो हजारों ख्वाहिशें हो ब्लैक फ्राइडे हो गुलाल हो, ये सारी फिल्में चर्चित हैं. अब सरकार में ये हुआ कि लोग बच्चन साहब को देखने आए थे, उनको एक बोनस मुझे मेरा मिल गया, तो थोड़ा सा वो वैसे भी वो ग्लोरीफाई हो गया वो. हाँ तो अगर वो अलग किस्म की फिल्म होती तो शायद उसका भी हशर यही होता. तो वो वैसा है. तो बट हम फिल्में करते हैं, हम जैसे मनोज ने भी एक बार कहा था कि हम बहुत ज़िद्दी लोग हैं भाई, हम जो है बिरादरी जो हम जो मैंने कहा जो गुट है बहुत ज़िद्दी लोग हैं, इसलिए अभी तक टिके हुए वरना कब के खब्बे होते. ऑफ कोर्स. तो है ना, तो वो चीज़ है. तो ज़िद तो हमारी यही है कि क्वालिटी चीज़ें हम पेश करेंगे, चाहे लवॉल हो चाहे कोई और फिल्म हो, क्वालिटी चीज़ें ही पेश करेंगे. कब तक मतलब आप संकोच करोगे भाई. हाँ, है ना, एंड में कहीं ना कहीं बोलना पड़ेगा, कहीं कहीं रोकना पड़ेगा कि भाई यही है मुझे यही करना है. अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते. एक्टर नहीं होता तो मैंने मुझे सोचा नहीं कभी, शायद मैं स्पोर्ट्स में कुछ करता कर रहा होता. टीचर होते. टीचर नहीं होता. टीचर अच्छा नहीं है. टीचर के लिए अलग एक वो चाहिए होता है, आई डोंट नो आई हैव दैट काइंड ऑफ समझाने वाली बात, और यू नो उस जो भी लेवल के लोगों को आप समझा रहे हो उस पर अडेप्ट करना, ये सब चीज़ें. आप सबसे अच्छे क्या होते, देखिए टीचर नहीं होते जैसे आपने बोला, हाँ तो क्या होते आप सबसे अच्छे एक्टर के सिवाय. पता नहीं यार, एक्टर तो एक्टर भी मैं सबसे अच्छा नहीं हूँ वैसे भी. नहीं क्या बात. हाँ मैं है मतलब मैं अपनी कोशिश कर लेता हूँ. उसके अलावा मैंने कहा ना जैसे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ तो कर ही लेता, बट उसकी कोच अच्छे होते हैं. नहीं कोच भी तो वही हो गया, टीचर ही हो गया ना. हाँ, नहीं कोच शायद नहीं. तो हाँ इस प्रकार की पता नहीं, आई एम नॉट गिविंग अ थॉट. प्लेयर होते हैं. होते लेकिन पता नहीं कहाँ किस लेवल का होता. होता मतलब अभी भी रुचि है स्पोर्ट्स में तो अलग बात. नहीं ये दुकान चल रही है इस कारण से रुचि है, अगर वही धंधा करते हैं तो शायद. नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, अगर रुचि ना होता तो मैं वहीं से निकल जाता ना. तो क्या है ना, एक पॉइंट के बाद आपको स्वधर्म ढूंढ लेना पड़ेगा. आपकी इच्छाएं कुछ और होती हैं, आपको जो टैलेंट दिया गया है उसको पहचानो, उस रास्ते चलो. पर हजारों लाखों लोग इस समय गाँव में देख रहे हैं ये अपना शो, सुन रहे हैं लोग, क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि सब लोग कन्फ्यूज हैं आज की तारीख में. जेंजीज तो मतलब पगला रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा करना क्या है लाइफ में. आपको क्या लगता है. पहली चीज तो ये जो औजार है ना आपके पास ही, जो मोबाइल फोन, उसको कंपल्सरली कुछ 4-5 घंटे के लिए अलग रखना. तो क्या फायदा होता है. जरूरी है. उससे क्या होता है ना, आप अपने बाहर नहीं जीते हो, अपने अंदर जीने लगते हो. आप हमेशा जो बाहर देखकर जीते हो ना, इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है दिमागी तौर पे. इसलिए हम स्पोर्ट्स फिल्म अभी जैसे लवॉल बनाए, इसका और एक मकसद ये है कि उन बच्चों को एक कहे कि बेटा ये जो इस पर खेल रहे हो ना, इसको निकालो, इसको रखो, एक 2 घंटा आप बाहर खेल के देखो, चस्का लग जाएगा आपको खेलने का, बाहर खेलने का. और उससे जो डेवलपमेंट होता है ना बच्चे का, वो कुछ अलग लेवल पे होता है.
क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है ये कुछ डेवलपमेंट खास है नहीं। खास है नहीं। आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको बहुत डेवलप कर गई, पढ़ाई में, एक्टिंग में, पर्सनैलिटी में? एग्जाम्पल बताता हूँ, कई लोगों की किताबें होती हैं, कई लोगों की फिल्में होती हैं, कई लोगों की बात होती है, कई लोगों का सानिध्य होता है, आप बहुत बहुत इस सबका एक मिश्रण है। इन द सेंस दैट जब मैं हम गुरबत की ज़िंदगी बाई चॉइस थी, उसको मैं रोमेंटिसाइज नहीं करूँगा, उस समय भी ऐसे संगत में क्या मुंबई शहर हादसों का शहर बोलते हैं, तो आप बॉम्बे शहर के अंदर आप या तो इस तरफ जा सकते हो या इस तरफ जा सकते हो जब आप अकेले होते हो, यंग होते हो। तो किस्मत की बात थी कि मेरी संगत जो है वो बहुत ही एनलाइटेंड लोग एक तरह से आ गए थे, दोस्त जो थे उनको उनकी उनकी जो इंटरेस्ट है वो लिटरेचर इन सब चीज़ों में थी, नाटक सब में। तो मैं वहाँ बच गया, तो वो उस संगत से मैं उसी रास्ते से चलने लगा क्योंकि तो उसमें मज़ा नहीं लगा मुझे। एक तो वो है, तो वो है किताबों और दोस्तों की बात। और हमेशा से स्पोर्ट्स प्रेमी रहा हूँ, जब भी मुझे लगता है कि मैं जाके कुछ खेल लेता हूँ तो उससे आप फ्रेश हो जाते हो कम्प्लीटली, मेंटली, इमोशनली, सब कुछ। और दूसरी बात फिल्मों का, ऑफकोर्स जब मैंने पहली बार बाइसिकल देखी थी या फिर रेजिंग बुल देखा था लीडर का, मैंने कहा ऐसे भी हो सकता है अंदर कैन परफॉर्म लाइक दिस ऑल्सो, तो वो सारी चीज़ें खुल गई रास्ता कि ऐसा नहीं है। तो देन ऑफकोर्स आप आत्मचिंतन करते हो, फलाना ढिमकाना, तो वो सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद जब मैं थिएटर से फिर सिनेमा एक्टिंग की तरफ, एक अलग माध्यम है सिनेमा, हाँ, तो पूरा अडेप्ट करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि क्या करें, कुछ पहले पहले बहुत पहले मैं पायलट्स और ऑडिशन दिया करता था, तो एक बंदा गया था ऑडिशन देने, तो उसने अपना किताब छोड़ दिया वहाँ पर। मैं किताबें ऑन एक्टिंग नहीं कभी नहीं पढ़ता, मैं बायोग्राफी या जो भी किसी ने इंसान ने जो एक्टर ने लिखा हो या डायरेक्टर ने लिखा हो उसका पढ़ क्योंकि उसमें क्या अनुभव है उसका, हाँ, तो आपको स्टूडियो की सुगंध क्या है वो भी आपको समझ में आता है, वहाँ रह चुके। तो ऐसे मैंने ऐसा पन्ना खोला, ऐसे मैंने कहा, तो अंग्रेजी किताब तो फर्स्ट पढ़ने में लिखा था कि द कैमरा इज लाइक योर गर्लफ्रेंड, अच्छा, इट वॉचेज यू वेरी क्लोजली, सही बात है, डोंट ट्राई टू फेक इंप्रेस द कैमरा। मैंने कहा अरे ये जो रहा, मतलब ऐसे में अब ये कैसे हुआ है? ये मेरा मानना है क्योंकि आप आत्मचिंतन कर रहे थे कि मैं कैसे अडेप्ट करूँ, कैसे उतनी गहरी हो चुकी थी कि आप सामने प्रकट हो गए हो इसका आंसर। तो ऐसा नहीं कि आप सीख कर रहे हो, जैसे मैंने कहा कि आप गोल सीख कर रहे हो, आप जा रहे हो गोल की तरफ, जितना आप करोगे अपने आप आ जाएगा वो चीज़, वो आ जाएगी वो चीज़, तो वो आ गया सामने एकदम से। मुझे लगा कि ये तो हाँ सही बात है, तो मेरी कभी एंट्री नहीं होती है फिल्मों में, मैं एंटर करता हूँ, मैं एंटर करता हूँ, बाकी आप कैमरा से जो करना करो और बैकग्राउंड कुछ लग आप जरो, बट मैं तो एंटर करूंगा, मैं ये सोचूंगा नहीं कि मेरी एंट्री अब एक पैर आना चाहिए, ये हाँ ये आप बाद में कर लो स्लो मोशन वोशन जो करना है वो आपके ऊपर निर्भर, आपकी आपके डिजाइन के हिसाब से, बट मैं तो ऑनेस्टली मैं एंटर करूंगा। ये कैरेक्टर ऐसे एंट्री कर गया, इंसान ह्यूमन बीइंग ऐसे करता है, कोई जान पड़ थोड़ी ना हूं ये तो। क्या बात, तो सबसे फेवरेट एक्टिंग के ऊपर कौन सी किताब पढ़ी और कौन से और लाइनें बताई ना, बहुत अच्छी बात बोली भाई साहब ये। तो यही मैं कह रहा हूँ ना, मैं किताबें नहीं पढ़ता, मैं आई डोंट रीड, तो और कौन कौन सी चीज़ें, मुझे ये समझ में आया बहुत पहले ही कि एक्टिंग के ऊपर किताब पढ़ने से अच्छा किताबें पढ़ो जो भी है, तो उसमें से आपको कुछ ना कुछ एज एन एक्टर, बिकॉज आप अपना स्वधर्म भूल चुके हो, आपको पता है कि ये है मेरे अंदर जो खिल रहा है, उसको आपको सिर्फ फर्टिलाइजर देना होता है, वो एक्टिंग की किताब से नहीं आएगा, वो बाहर की चीज़ों से आएगी, किससे आएगी, जिंदगी से आएगी, कैसे आएगी, वहाँ से आएगी। फॉर एग्जाम्पल रशियन लिटरेचर मैंने पूरा पढ़ लिया था, हाँ, तो अब पढ़ लिया मैंने दोस्तोवस्की पढ़ ली, वो तुझने पढ़ लिया, चेकअप पढ़ ली, कुछ चीज़ें आ गई, अब वो क्या है उसका मेरे को मेजरमेंट नहीं मालूम, हाँ, उस समय नहीं मालूम, लेकिन जब कहीं परफॉर्म करेंगे तब आएगा, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, आप कुछ देखते हो तो कभी कुछ ना कुछ जाता है अंदर, तो वो सारी चीज़ें। तो इस सिचुएशन से क्या आप ले जाएंगे, अगर मान लीजिए कुछ इस सिचुएशन से सीखना हो आपको, तो एक तो एक तो ये है कि ये जो सुर हमने साधा है वो इम्प्रॉम्प्टू हुआ, तो आपको अगेन वो मेरे को री एनफोर्स करेगा वो बिलीव कि आपको पहले से डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, एक कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग बन सकती है, आप उसमें रम जाए, उसमें रहे, उस वक्त रहे पूरे के पूरे। अब मुझे थोड़ी मानते ये सब आंसर देने वाले, अब मेरे ख्याल से तुमने भी प्रिपेयर नहीं किया था कि ये सब क्वेश्चन पूछने वाला, करते करते बात करनी है, हाँ, वो ऐसे ही बनता है और ये फिर यूनिक बन जाए, एकमात्र बन जाए, एकमात्र बन जाता है। तो इतने सारे एक्टर आपके दोस्त, जैसे कि आपने बताया कि एक बंदा देखी आपने, एक है देखी आपने, मनोज वाजपेयी की फिल्म देखी,
अगर मैं एक्टर का नाम लूँ मनोज वाजपेयी, तो आपको एज एन एक्टर क्या क्या चीज़ ऐसी लगती है कि यार ये कमाल है यार? यार मैं कृतज्ञ हूँ मनोज के प्रति, इसलिए क्योंकि जब मनोज सत्या की, हाँ सत्या, उस वक्त वाइट पैंट वाइट शर्ट वाइट ड्रेस में हीरोज बहुत होते थे और चंगा दिखने वाले लोग थे, ब्लीच किया हुआ तो ब्लीच, हाँ बराबर है, वो एक आया काला सा दाढ़ी, नहीं तब नॉर्मल इंसान कोई था नहीं, कोई प्रोटैगनिस्ट उस वक्त, मतलब रामू ने का भी कमाल, रामू ने तो उसने सत्या बनाई, वहां पे मनोज ने ऐसे मतलब ऐसी परफॉर्मेंस दे दी ना उसने, कमाल है तो वो ऐसी एक फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी, और उस वजह से हम जैसे लोग, लोगों को वो दरवाजा जो बंद था ना वो खुल गया, सो ही वॉज अ पायनियर इन दैट, उसमें मनोज, अगर वो नहीं करता, अगर वो सब चीज़ें हिट नहीं होती, तो शायद हमको और 5-10 साल और लग जाते एंट्री करना, ये तो बहुत, हाँ क्योंकि उस वक्त वो बन चुका था किस प्रकार का प्रोटैगनिस्ट होना चाहिए, किस प्रकार का मतलब प्रोटैगनिस्ट हो तो मतलब पूरा पूरा गुड गुड हैंडसम, हाँ, पेट अंदर सब कुछ, सब कुछ परफेक्ट, सीना ऐसा, और जो खराब है तो एकदम ही खराब, तो वो जो एक नॉर्मल इंसान को दिखाना, मतलब इसमें रामू का श्रेय है, बिल्कुल रामू का बिल्कुल श्रेय है, वो उसने सत्या बनाए और प्लस जितने भी जुड़े हुए लोग, पर एक बात बताइए कि रामू जैसे लोग इतने टैलेंटेड हैं, इतना काम किया है, सत्या कंपनी, मतलब मैं कभी देखता हूँ, उस दिन कंपनी देख रहा था यार, उफ, फिर क्या होता है इन लोगों की जिंदगी में? अब ये तो व्यक्तिगत मैंने कभी कोई नहीं, फिर कभी तो आप सोचते होंगे ना कि अगर कभी आप मिले होंगे कई बार, तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? मैं किसी पर्टिकुलर नाम ही ले रहा हूँ, हर एक्टर देखो, सुभाष जी हो गए, मनोज कुमार साहब हो गए, मैं सबसे मिलता हूँ, सब मेरे दोस्त हैं, परिचित हैं, आपको क्या लगता है एज एन एक्टर कि क्या होता होगा इनकी जिंदगी में कि वो सुर नहीं पकड़ पाते हैं? नहीं होगा कुछ अपनी अपनी जैसा, अब पता नहीं यार होगा, आई हैव नो आइडिया, मैं उतना थॉट दिया नहीं, मैं इतना मानता हूँ कि जितना आप इंस्पायर्ड जिंदगी जियोगे उतना आप चलते रहोगे। आपने कभी कोई ऐसा काम जो किया हो आपको बुरा लग रहा हो, दुनिया को अच्छा लग रहा हो, बात अलग है, लेकिन आप उस परिस्थिति, कौन सी परिस्थिति थी कि यार ये मैं, आपसे क्या कमियां हो जाती हैं अभिनय करते समय, फिल्म सिलेक्शन हो? कमियां तो खैर, कमियां तो आई थिंक ऐसा मैं ठोक के बोल नहीं सकता कि ये परफेक्ट, अगर आप परफेक्ट बन गए फिर उसके बाद आपको जीने की जरूरत नहीं, सही बात है, तो वो तो मैं करता ही नहीं हूँ, तो मैं वो करने के बाद, जैसे मैंने कहा, करने के बाद उसको उतना मैं सोचता नहीं हूँ, उसके बाद मैं अगले वाले पे, क्योंकि वो पिछला वाला भी हो आगे वाला हो, इस पर अगर सोच रख के आप एक फिल्म करोगे ना तो कहीं ना कहीं उसका असर पड़ जाएगा। तो चार चीज़ें कौन कौन सी जो फिल्म के करियर की शुरुआत में आपने, आपको लगता था लेकिन अब कुछ और लगता है? करियर की शुरुआत में मुझे लगता था कि मैंने थिएटर कर ली तो मैं महान सिनेमा एक्टर बन जाऊँ, ये थोड़ी गलत लगता है मेरे ख्याल से। अब क्या लगता है? जरूरी नहीं है कि एक महान थिएटर एक्टर जो है वो सिनेमा एक्टर भी उतना ही खाते हैं। बहुत डिफरेंस है भैया दोनों में? बहुत डिफरेंस। क्या डिफरेंस? दोनों माध्यम इतने अलग हैं कि जब आप थिएटर करते हैं तो द एक्टर रीचेज आउट टू द ऑडियंस लास्ट बेंच, तो आपकी पिचिंग ऑफ परफॉर्मेंस अलग रहती है तो वहाँ पर, वेर एज इन सिनेमा द ऑडियंस रीचेज आउट टू द एक्टर थ्रू द कैमरा, तो प्रोसेस ही उल्टा है। तो वहाँ अगर मुझे लगा कि यार ये अनुराग में क्या, अच्छा मुझे आंखें देखने दोस्तों में, आई कैन कम टू यू इन द कैमरा, वहाँ पे थिएटर में नहीं, इन फिल्मों में आई कैन कम टू यू कैमरा, तो वहाँ आप फेक कर रहे हो नहीं कर रहे हो सब समझ में आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिचिंग ऑफ परफॉर्मेंस ही अलग हो जाती है, तो आप जब कैमरा करते हो, भाई ये कैमरा सामने है, ही कैन ईजिली जूम इन टू माई फेस एंड नो वेदर आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ और नॉट, तो अगर वो डायलॉग ना भी बोल तो भी चलेगा, तो बिना डायलॉग बोले ही बहुत सारी चीज़ें हो जाती, तो बहुत सारी चीज़ें वो अलग हो जाती हैं सिनेमा में। थिएटर में आपको आपका टूल जो है आपका वॉइस स्पीच और जेस्चरल क्वालिटीज होती है, तो उस पर आप काम करते हो, आप उसको एक तरह से प्रोजेक्ट करते हो ताकि वो पिचिंग ऑफ परफॉर्मेंस, अगर मुझे कोई सीक्रेट बतानी हो अनुराग ये कर सकता हूँ मैं ऑन कैमरा, वहाँ तो बोलेगा हेलो क्या बोले आप, उसकी पिचिंग ही अलग हो जाती है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा कि आप जब उसी इस माध्यम में घुसते हो तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई अभी वो अलग है, ये अलग है, तो आपको अडेप्ट करना पड़ता है। तो आपको लगता है कई बार कि थिएटर ना करो तो भी चलेगा अगर फिल्म एक्टिंग करनी है आपको? तो जैसे मैंने कहा दूसरे अलग अलग माध्यम है, अगर आप एक अगर आप में एक में मज़ा आ रहा है करते रहिएगा, क्योंकि जितने बड़े दुनिया हिंदुस्तान के डायरेक्टर एक्टर हैं, दिलीप कुमार साहब कभी जिंदगी में प्ले नहीं किया उन्होंने, अमिताभ बच्चन ने छोटा स्कूल लेवल में किया होगा।
देखिए, नाटक करने का एक ही है कि आप जब बचपन से नाटक करते हो तो एक कुछ कुछ चीज़ें उससे मिल जाती हैं। एक तो यह है कि आप हाउ डू यू अप्रोच अ स्क्रिप्ट, हाउ डू यू रीड अ स्क्रिप्ट, व्हाट डू यू डू, स्क्रिप्ट को पढ़ने की आदत एक डिसिप्लिन बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव आप लेके जा सकते हो सिनेमा के अंदर। आपकी आपकी एक डिसिप्लिन बन जाती है क्योंकि आप रिहर्सल कितने करते हो, तो रिहर्सल करने का एक एक वो भी एक प्रोटोकॉल बन जाता है लाइफ में। आप चाहते हो कि यहाँ पे मैं रिहर्सल करूँ, ये सब अच्छी बात है। प्लस कॉन्फिडेंस ऑफ फेसिंग द ऑडियंस हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें आप लेके सिनेमा में आ सकते हैं। लेकिन जो क्राफ्ट है वो अलग। कितना डिफरेंस है भैया, कितना डिफरेंस होगा क्राफ्ट? डिफरेंस मैंने कहा कि 100% हाँ, मतलब टोटली ऑपोजिट है ना। एक एक जा रहा है उस तरफ, एक आ रहा है इस तरफ, अलग अलग। तो वो बहुत सारी चीज़ें अगर मुझे करना है कि मैं खुश नहीं हूँ तो मुझे बोलना पड़ेगा। हाँ कि मैं, हाँ सही बात है। जबकि यहाँ पे मैं अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से दिखा सकता हूँ कि मैं खुश नहीं, है ना। तो वो कैमरा कर लेता, तो वो सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ ये कि जब आप करियर की शुरुआत में है, दूसरी चीज़ कौन सी है? मेनली यही थी। और बाकी मुझे गलतफहमी थी कि मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मतलब रुचि तो है। रुचि तो है भाई साहब, गेम देखो, रुचि तो है, तो खेल लेता हूँ एक लेवल तक। बस उसके बाद मुझे लगता है कि मैं अभी स्पोर्ट्स में बहुत कर लूँगा, ऐसा नहीं है। उस समय लगता था आपको? हाँ, आप अपने आप को आँख लेते हो, भैया रुक जाए यहाँ पे, कुछ और दिया गया है, वो कर लेते हो। तीसरी चीज़? तीसरी तो ऐसी कोई चीज़ अभी याद नहीं आ रही। ये दो चीज़ें जो याद आ रही। कि आपको पहले लगता था करियर की शुरुआत में यही है, लेकिन अभी ये आ गया। अब इंसान सेटल हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो एक्टिंग में क्या मैच्योरिटी होती होगी भाई? एक्टर तो एक्टर है, इसमें क्या मैच्योरिटी होती होगी? जब आप 10 साल पहले एक्टिंग करते होंगे, सीन भाई डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ने बोला कि आपको ये करना है, आपने वो कर दिया, मैच्योरिटी क्या होती है एक्टिंग में? तो दोबारा जब शादी करते हो, पहले शादी का एक्सपीरियंस नहीं लेते आप मैच्योर हो जाते भाई। अच्छा, तो वैसे ही है, दोबारा जब गर्लफ्रेंड आती है तो आपको पता है कि फर्स्ट गर्लफ्रेंड क्या हुआ। तो वो मैच्योरिटी अपने आप जिंदगी का हिस्सा है वो। तो आप तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभिनय में क्या मैच्योरिटी हो सकती है? वही मैं कह रहा हूँ ना, पहली फिल्म आपने कर ली, फिर सेकंड फिल्म कर ली, करते करते आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप वो करना बड़ा मुश्किल है कि क्या था एग्जैक्टली, बट आप समझ रहे, आप स्क्रिप्ट को पढ़ने का तरीका, क्या पढ़ें स्क्रिप्ट के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। ऐसा नहीं कि वो चेस गेम ग्रैंड मास्टर की तरह होता है कि आप पहले शुरू करते हो तो आप फर्स्ट मूव के बारे में सोचते हो ना। तो आप ग्रैंड मास्टर होते हो तो फिर आपको 20 मूव्स अहेड दिखता है क्या कब होने वाला है इसके एक मूव से, वो सारी चीज़ें आपकी एक्सपर्टीज बढ़ जाती है। तो कौन सी किताब आपकी जीवन की ऐसी है जिसको आप 10 बार पढ़ सकते हैं या 2 बार पढ़ सकते हैं? मैं अपने को आपको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तक वो एक बार समाप्त हो जाए फिर देखा जाए। फिर भी बताइए ना, कौन सी किताब? किताब बाहर से ऐसा कोई एक नहीं है, कोई प्ले, कोई नाटक, क्योंकि मैं अपने आप को इतना नैरो माइंडेड नहीं समझता कि मेरे पास एक ही फेवरेट है या एक ही, वो सब जो प्रश्न होते हैं ना कि द मोस्ट फेवरेट, द मोस्ट, द बेस्ट, इसका उत्तर है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि वो स्पेक्ट्रम लार्ज है, बड़ा है। तो ज़रूरी है कि एक्टर को स्पेक्ट्रम पर बड़ा रखें ताकि वो सब कुछ अंदर आ जाए। तो म्यूज़िक कौन सा सुनते हैं आप? इंडियन म्यूज़िक। अच्छा, जो भी है। और उसमें कौन सा एरा? ऐसा कुछ नहीं, मतलब इवन मॉडर्न एरा, पुराना, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लासिकल, नॉन वोकलिस्ट भी चीज़ें आती हैं, इंस्ट्रूमेंट वो सारी चीज़ें। तो फेवरेट सिंगर भाई साहब? तो सिंगर तो बहुत सर, आप तो गुरु, पुराने जमाने से रफी साहब। तो आइए किशोर कुमार का अग लगाना, देखिए कि आवाज में वो सारे कौन सा गाना, पुराने दिग्गज जो है ना, बहुत गुरु। मुखड़ा अंतरा एक मुखड़ा सर, क्या बात कर, अरे किशोर कुमार मुखड़ा, गवैया मैं तो गाता नहीं हूँ। नहीं तो कोई बात नहीं, आज गाएंगे, आज गवैया बनेंगे के मैनन यार, प्लीज 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 भाई। किशोर कुमार एक मुखड़ा। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे एक आंख तार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, यूं तो हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें
तुम लगे और भी प्यारे, बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। वाह बाप रे बाप, ये कौन एक्टर भैया, जब बात भाई साहब कमाल गाते हैं आप तो। हाँ किसी डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर ने आज तक इस बात पे गौर नहीं किया। नहीं वो मेरे ख्याल से मैं एक्टिंग अच्छी कर लेता हूँ, बेटर देन सिंगिंग। सर ये भी सर एक अभिनय का पार्ट है। हाँ वो तो भरत मुनि के हिसाब से तो सर अभिनय का पार्ट है गायकी, तो फिर कमाल है मतलब। तो मोहम्मद रफी साहब को अरे यार कमाल कर रहे, तुम नहीं 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 अरे नहीं यार हम जाएंगे नहीं, दरवाजा बंद करो रे, लॉक करो लॉक करो, ये आपका आदमी है इसे, ये दाढ़ी वाले बाबा आपके हैं, दरवाजा बंद करो मोहम्मद रफी। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छांव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छांव में खिला खिला ये रूप है, घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है, जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आज तो दिन धन्य हो गया क्या बात है यार, बहुत अच्छा गाते हैं आप तो ड्रामा में थिएटर में गाते होंगे ना फिर तो। हाँ, है ना खूब गाते होंगे ना, क्या बात। तो आपको अभिनय में सबसे चीज क्या लगती है बेस्ट, एक तो गायकी हो गई, एक डांस हो गया, फाइट हो गई, कौन सा आपको मजा आता है? सबसे पहले अभिनय, अभिनय का अलग अलग अंग है, आप जो भी कर रहे हो चाहे वो नाच रहे हो या गा रहे हो वो अभिनय का ही अंग हो, ऐसे अपने कला की नुमाइश के लिए ना करें। क्योंकि जब मैंने हनीमून ट्रेवल्स में नाचा था तो मैं वो अभिनय का अंग है, अभिनय का हिस्सा बना था, उसमें मैं डांसिंग स्किल्स मैं दिखा नहीं लगा तो अभिनय, क्योंकि वो सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाला आदमी उसके अंदर कुछ मिश्रण कर दिया उसके से, तो उसका असर जो पड़ा उसके ऊपर उसका अभिनय है, तो वहाँ म्यूजिक बजाता उसको भी लगा चश्का, और वरना ऐसा कुछ मतलब डांसिंग स्किल्स को पेश करना फिर वो अलग आइटम हो जाता है। तो मेरा ये होता है कि आप अभिनय कर लो, अभिनय का ही सब कुछ हिस्सा, अगर आप किसी को मुक्का भी मार लो तो ये मत दिखाओ कि देखो मैं मार्शल आर्ट करता हूँ इसलिए, तो आपको आपके अभिनय में आपको उस प्रकार का मतलब गुस्सा आ रहा है तो आप मारना, तो अगर वो अभिनय नहीं दिखा मुझे तो मुझे एकदम वो लगता है कि अलग सेपरेट डिपार्टमेंट चाहिए। हाँ ये बात तो सही। फिल्म मेकिंग में सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है आपको? फिल्म मेकिंग में ओवरऑल प्रोसेस यार बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्रोसेस, क्या जर्नी है फिल्म मेकिंग, मतलब आप सुधांशु से ही पूछ लीजिए, मतलब लिखना सोचना उसके लिए पैसे इकट्ठा करना फिल्म शूट में जाना करना उसका हाँ। you know, और फिर सोचना कि मैं बैडमिंटन से मुझे इतना प्रेम है तो मैं जो मुझे वो करना चाहिए, अब उसको साकार करना उस चीज को, मतलब इट्स अ प्रोसेस। तो चलिए मैं चार चीजें देता हूँ कि फिल्म मेकिंग में ये चार चीजें आपका सबसे फेवरेट क्या है? फिल्म की कहानी सुनना, कैमरा के सामने परफॉर्म करना, अपना पोस्टर देखना, अपनी फिल्म देख के लोग जब तो तारीफ करते हैं वो क्या चीज पसंद है? सामने परफॉर्म करना कैमरा के सामने, कैमरा के सामने क्यों जब तारीफ करते हैं? ज्यादा आनंद है नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि वो उस वक्त है जब आप अपने आप को भूल जाते हो, उस वक्त है जो आप उस मोमेंट ऑफ ट्रूथ पे जीते हो, वो एक एक तरह का अपना आध्यात्मिक प्रोसीजर है, जब वो मेडिटेशन के तौर पर आपको उस वक्त सब हो जाता है, आप कुछ सोचता नहीं है, दूसरा तुम क्या हो क्या नहीं हो, वो एक अगर ऐसा नहीं जरूरी है कि हर बार वो आए, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि उस समय घुस जाए, इसलिए मैं कभी कहता हूँ कि अगर मैं बहुत बुरा आदमी हूँ या इविल आदमी प्ले कर रहा हूँ
तो एक्शन और कट के बीच में मुझसे पंगा मत लेना, क्योंकि मैं वो इंसान था कि मैं नहीं हो सकता है मैं कुछ कर। कभी ऐसा हुआ भाई कि आप चिल्ला दिए हो सेट पे? हुआ है एक दो बार, बट ऐसा मतलब, तो उस वक्त क्या है ना, आप उस किरदार में हो, उस कट होता है तो मैं अपने आप को नॉर्मल रहता हूं, मैं कोई ऐसा मतलब आई एम नॉट कि मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं करता हूं, नहीं है ना, उस वक्त के लिए मुझे छोड़ दो बस उतना टाइम के लिए, एक्शन और कट के बीच में। तो दैट्स माय ओनली, वो बहुत मजा आता, वो उस असर तक धन्य हो गया। किस चीज में बहुत इरिटेशन होती है फिल्म मेकिंग में? बहुत इरिटेशन होता है, इरिटेशन मुझे बद इरादों पर, जैसे इंटेंशन कुछ और है आपका, आप कुछ कर रहे हो, वो तो झूठ बोल रहा हो गया, वो तो फिर उस पे मैं क्या करते हैं लोग, कला में आप वो चीज कर नहीं सकते। क्या करते लोग सर? करते हैं यार, उस तो फ्री में करते हैं, आपको पता लगता है कि आपको बताया गया कि आपको करना है ये चीज, आप जब शूट करते हो तो अच्छा ये अलग चले, आप पकड़ लेते हो ग्रैंड मास्टर 20 मूव्स के बाद समझ में आ जाता है कि बेटा तुम ये करने वाले हो, है ना। आप फिल्म क्यों नहीं प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं? यार उतनी मेरे अंदर पेशेंस ना तो है ना काबिलियत है, बिकॉज मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा हूँ और मैं अच्छा काम कर लेता हूँ, उसमें आनंद आता है मुझे, और जिस दिन मैं उससे बोर हो जाऊंगा या ऑडियंस बोर हो जाएगी तब मैं कुछ और करने की कोशिश करूँगा। नहीं बोर तो कोई तब तक मैं ठीक हूँ, बोर तो कोई होगा नहीं, क्योंकि एक्टर का क्या है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, लास्ट नहीं हो सकता है जूरी आने के बाद, बट एक्टर का क्या है वो करता रहता है, 30 साल 90 साल कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप एक्टर हो। किसको देख के आप इंस्पायर होते हैं? एक्टर अच्छा हो नहीं हो कोई भी हो, सर है ना, मैं कह रहा हूँ वही द फेवरेट वाला क्वेश्चन, अच्छा फेवरेट बेस्ट वाला क्वेश्चन वो नहीं है मेरे पास, है ना, तो उत्तर ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे राइट फ्रॉम वेस्टर्न सिनेमा टू यूरोपियन सिनेमा टू इंडियन सिनेमा, इतने सारे लोग, हिस्ट्री में इतनी सारी कहानियां हैं, इतिहास में इतने सारे करेक्टर हैं, किसी करेक्टर से इतिहास के आप मिलना चाहें क्या पूछेंगे? कोई ऐसे जिज्ञासा, जैसे मैं चाणक्य से मिलना चाहता हूँ, बड़ी कृष्ण से मिलना चाहता हूँ, मैं बड़े इंटरेस्टिंग करेक्टर है, तो मैंने थोड़ा सा उसको अलग रखा हुआ, मैं कभी ऐसी इच्छाएं करता नहीं जो पूरी नहीं हो सकती क्यों नहीं, क्योंकि मुझे फिर वो, मैं इंसान से मिलना नहीं चाहता, मैं उसकी उनकी बातों से उनसे चीजों से प्रेरणा लेना चाहता, प्रेरणा, हर कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं, तो जो भी मेरे इंस्पिरेशन बहुत सारे हैं, मैं उस साक्षात मिलना नहीं चाहूंगा, मैं उनकी इंस्पिरेशन या उनके मतलब उससे मैं खुश, मुझे उसके इंसानी फितरत के अंदर जो खामियां हैं वो देखेंगे, हाँ क्या जरूरत है, तो वो इन्फ्लुएंस करेगी आपको, अच्छा जो मिलोगे तो आप, हाँ अरे ये तो बड़ा ऐसा कर रहा है, अल्लाह अच्छा पढ़ूंगा, जो बोला गया जो किया गया है उससे इंस्पिरेशन ले लो, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं, सही बात, साधु संत हाँ नॉर्मल, पर जैसे मनोज वाजपेयी साहब के बारे में आपको, अपने जैसे इरफान के बारे में बात की, इरफान की कौन सी फिल्म और कौन सा सीन और क्या है और कभी बात हुई तो क्या किस बारे में चर्चा हुई? मैंने तो दो बार तो मैंने फोन किया था उनको इसी वजह से, तब वो पान सिंह तोमर जब देखकर आया तो मैंने कहा यार खुद काम किया तुमने कैसे, मतलब उन्होंने कहा भैया ऐसा है, देखो भैया ऐसा है कि वो मुझे ना दोस्त वो करना पड़ा, गिरवी रखना पड़ा घर, पर ना ये लोग रिलीज नहीं कर रहे थे, अच्छा ये अलग लेवल का पैशन है, घर के भी रख दिया लोगों ने, क्या करें, सही बात है यार, 4 साल हो ही थी, 5 साल, 5 साल हो गए, अल्टीमेट उसने बोला लो पेपर्स कर लो, बट खैर उन्होंने रिलीज की और परफॉर्मेंस है, बहुत सारे अद्भुत लोग हैं, मतलब दीज आर परफॉर्मर्स हु आर बॉर्न परफॉर्मर्स, तो उनको आप किसी हद तक जा सकते हैं भाई लोग ना, ये एक्टर कमाल है, मनोज को ही देख लो ना आप, जरूरी देख लो, आई नो, और कितने लोगों को रेकमेंड करते हैं, अरे मैं तो कहता हूँ उसके सिवा व्यक्तिगत जीवन में मैंने देखा उनको कि यार तू एक्टिंग करवा ले, तू इसको सेट कर ले, तू ये कर ले, मैं तो मैंने कहा भाई देखो एक एक्टर होता है जो अपने कमरे में बैठा हुआ है, सेट पे लाऊंगा घर आ जाऊंगा माल अकाउंट में डाल देना, देखा मनोज भाई तो सब ने लगे हुए, चलो इधर भी आ जाऊंगा, चलो वही कर लूंगा, चलो तेरा फायदा हो रहा है, चलो ये कर दे, रिकमेंड कर देते हो, तो कितने बड़े बड़े एक्टरों को कौन कौन सी फिल्में, हाँ मतलब वो है दिलदार बंदा है ना, ये तो मतलब बड़ी यूनिक चीज़ है, वो कला भी बहुत बहुत ज़बरदस्त कला है, वो सारी चीज़ें हैं, मतलब ये सब, एंड आई एम लकी कि उसी जनरेशन में का मैं हूँ और वो हमारे गुट में वही चीज़ें होती रहती है ना, बार बार किस सब्जेक्ट के बारे में मैं आपसे 1 घंटे बात कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ कुछ किस सब्जेक्ट के बारे में? अभी तक अगर आपने नहीं सीखा तो रुपया अभिनय के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, अभिनय ही, मैं तो यार अभिनय का ही मतलब, उसके सिवाय भी बचा, अरे क्या आपके हजारों आयाम है, नहीं नहीं वो सारी चीजें उसी से आती हैं, आपका आपकी जो एक मैंने कहा ना स्वधर्म या आपको दिया गया, आपको ईश्वर ने दिया है कुछ चीज, जैसे आप करते हैं, आप बातचीत करते हैं, आप टॉपिक्स निकाल के बात करते हैं, ये थोड़ी ना हर एक की बस की बात, तो आप
प्रश्न मुझे पूछते हो ठग से, तो दिया गया है। तो इसलिए मैं जब हमेशा कहता हूँ कि मैं एक परफॉर्मेंस के बाद मैं उसकी ओनरशिप नहीं लेता। अच्छा। मैं नहीं कहता कि मैंने किया है, मुझे नहीं पता भाई वो हो गया हो गया, क्योंकि वो हाँ मैंने तैयारी मेहनत वगैरह की, पर वहाँ अगर मैजिक हुआ है तो वो मेरा श्रेय नहीं है, वो कहीं से आया हुआ है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं उसका मतलब स्वामित्व मिला है उसका, ये नहीं बोल सकता हूँ। तो वो मैं कोशिश करता हूँ उतना उतना प्रैक्टिकल रहूँ कि तने के झाड़ पे तना चल जाऊँ कि अरे यार शौर्य में ऐसा कर दिया, तो ठीक है वो दोबारा मैं करने जाऊँ तो मुझे नहीं पता क्या होगा। तो आपको जो अप्रिशिएट करते होंगे, तारीफ करते होंगे, तो कैसे कैसे ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, क्या फील करते हैं? मैं डेफिनेटली तारीफ को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो फील कैसे करते हैं? क्योंकि वो मैं क्या है, वो थैंक यू बोलने का तरीका, अगर आप जनरली कृतज्ञ हैं तो आप थैंक यू जब आपके मुंह से निकलता है तो समझ लेता है, समझ लेता है। कई लोग बड़े फेक होके बोलते हैं, कई लोग अरे क्या बपा रहा है यार, कई से भी होता है ना, कई लोग तो अतिशयोक्ति भी तारीफ करते होंगे ना आपकी। करेक्ट। आपको आज तक जिंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिला? देखो कॉम्प्लीमेंट जो है वो पॉजिटिव मैं एनर्जी मानता हूँ। ऑफ कोर्स होता है, तो उसको आप नकारिए ना, मत नकारिए, बिकॉज आप उसको ग्रहण कीजिए और बहुत ही विनम्रता से ग्रहण कीजिए, उसको ले लीजिए, क्योंकि वहां से पॉजिटिव एनर्जी आपको बंदा या बंदी। ये बहुत अच्छी बात बोली, कोई भी जो तारीफ कर झूठी करना भले से ही नहीं, पर भाई साहब पॉजिटिव तो है। हाँ पॉजिटिव है, जो वाक्य निकला है वो पॉजिटिव है, तो आप उसको बिल्कुल विनम्रता से थैंक यू बोल करके ले लीजिएगा, बिकॉज उसको अगर नकार के कोई फायदा नहीं। अरे नहीं एक्चुअली ना मेरा परफॉर्मेंस ये बोलने की जरूरत नहीं, उसको पसंद आया ना, उसने आपने दिल से आपको बोला है तो ले लीजिए। कौन सा करेक्टर करने के बाद आपको लगे कि भाई अपन अचीव हो गया, अपन ने पा लिया? पता एक छोटा तो रास्ता है नहीं, मैंने कहा कि वैसा तो है नहीं, कोई नहीं करेक्टर है। अगर वो आ गया, देखो जो दिया गया है मुझे वो निकल जाएगा, अगर मैं बदलूँ ना अपने आप को तो जो मैं बोल रहा हूँ जो ईश्वर ने शायद दिया है वो सब खत्म हो जाएगा। आपको मालूम है इंटरव्यू जितने लेते हैं इंटरव्यू फ्रेटर्निटी में, आपसे अगर आधा घंटा कोई बात कर ले तो अचीव कर लेता है। अच्छा। तो जाते जाते कौन सा करेक्टर, सॉरी इस फिल्म में जो ये करेक्टर है, जब हम निकलेंगे फिल्म देखने के बाद कौन सी चीज जहन में रह जाएगी? एक तो कहानी, कहानी कमाल, मध्यम वर्गीय परिवार, मतलब मध्यम वर्गीय परिवार, कोई ग्लॉस नहीं उसके अंदर, मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी, बाप और बेटे की कहानी, और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जेन्युइन बैडमिंटन। आपको लगेगा कि आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट देख रहा है, क्योंकि सामने जब कोर्ट में जो चल रहा है तो यहाँ पे फोकस है, कैमरा यहाँ पे, पीछे भी कोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे भी लोग खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, और वो लोग ढलिया दिन नहीं कर रहे हैं, वो लोग प्रॉपर खेल रहे हैं, दे आर ऑल नेशनल, उस सारे के सारे वो है नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। तो आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि आपने एक्चुअल एक स्टेडियम के अंदर जाकर के वो मैच देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।